वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों आज शाम को एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाली है जो एसएससी स्कैम की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी भी है। इसके अलावा आप सभी की हेल्प भी चाहिए पूरे एसएससी स्कैम के, जो पूरा एसएससी स्कैम हुआ है उसको एक्सपोज करने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े लेवल पर साजिश चल रही है इस स्कैम को दबाने के लिए। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और उसमें कहे अनुसार ज़रूर पार्टिसिपेट करें जो कुछ उसमें कहा जाएगा। और लेकिन जो अभी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है उसमें एसएससी सीजल 2018 में भी धांधली के केसेस सामने आए हैं और ये जो पूरा खुलासा है ये मुंबई पुलिस के द्वारा किया गया है और मीडिया ने इसको पूरा फुल तरीके से कवर किया गया है और चीटिंग का नया तरीका चीटर्स ने इसमें खोज निकाला है। और ये जो तरीका खोजा है चीटर्स के द्वारा चीटिंग का, ये रिमोट एक्सेस का भी बाप है। आप सोच भी नहीं सकते कि कितने बड़े लेवल पर कितने नए नए तरीके से आज के ज़माने में चीटिंग की जा रही है। और जितने भी एक्यूज्ड, जितने भी चीटर्स पकड़े गए हैं उनको कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया है मुंबई पुलिस के अंडर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11 ग्रेजुएट्स हेल्ड फॉर चीटिंग इन एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। 11 एग्जामिनीज फ्रॉम हरियाणा हैव बीन अरेस्टेड फॉर एलिजेडली यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टू चीट ड्यूरिंग एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। सेवरल माइक्रोफोन, सिम कार्ड्स एंड ब्लूटूथ कॉलर डिवाइसेस हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड फेड पुलिस। यहाँ पर कहा गया कि जितने भी एक्यूज्ड हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में चीटिंग कर रहे थे, वे लोग ने नया तरीका अपनाया था, वे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज कर रहे थे जिसमें माइक्रोफोन, सिम कार्ड्स और ब्लूटूथ डिवाइसेस शामिल थे। इसके अलावा ये पूरा मामला तब सामने आया जब एग्जामिनेशन चल रही थी और एग्जामिनर जब घूम रहा था क्लासरूम में, उस समय उसने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे, कुछ कैंडिडेट, वे अपने कान को कवर किए हुए हैं। और जब उनको जब साइड में ले जाया गया तो उनको पता चला कि उनके कान में ऐसे कुछ डिवाइसेस फिक्स किए गए हैं जिससे वे बात कर रहे थे। और जो जितने भी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं उनके जो नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए हैं। और जिस तरह से चीटिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ है। यहाँ पर देख लीजिए पूरा खुलासा किया गया। यहाँ पर कहा गया है द एक्यूज्ड हैड ब्लूटूथ कॉलर डिवाइसेस एंड माइक्रोफोन्स अटैच्ड टू देयर बॉडीज। मतलब ब्लूटूथ कॉलर डिवाइसेस और माइक्रोफोन उनके बॉडीज में अटैच थे। सिम कार्ड्स वेयर इंसर्टेड इन द डिवाइसेस एंड दे हैड एन एयरफोन थ्रू विच दे हर्ड द आंसर्स टू एज टोल्ड बाय समवन फ्रॉम द अदर साइड। दिस डिवाइसेस वेयर रैप्ड इन कार्बन पेपर ड्यू टू विच दे वेरेंट डिटेक्टेड ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेक वाइल इंटरिंग द सेंटर। आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर ये स्कैम को अंजाम दिया गया है। पहले तो ब्लूटूथ कॉलर डिवाइसेस और माइक्रोफोन का यूज़ किया गया और इन डिवाइसेस में सिम कार्ड को भी अटैच किया गया था और ये जब सिक्योरिटी चेक हो रही थी उस समय इन डिवाइसेस को मतलब कार्बन पेपर में इनको लपेटा हुआ था जिसके कारण सिक्योरिटी चेक में ये डिवाइसेस पकड़ी नहीं गई। अब ये कौन सा तरीका है मुझे तो इसके बारे में नहीं पता कि कार्बन पेपर में अगर तुम किसी डिवाइस को रैप्ड करके लेकर आते हो तो पकड़ी नहीं जाएगी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कौन सी नई टेक्नोलॉजी चीटर्स ने निकाली है। तो इसी के कारण सामने और ये लोग चीटिंग का ऐसा तरीका निकाल रहे थे। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया कि द पुलिस सेड द दीज डिवाइसेस ऑटोमेटिकली आंसर्ड कॉल्स एंड व्हेन द एक्यूज्ड प्रिटेंडेड टू रीड द क्वेश्चंस फ्लैश्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन दे वेर एक्चुअली स्पीकिंग टू समवन ऑन द फोन। मतलब जब हम मान लीजिए हमारे सामने जो कंप्यूटर स्क्रीन है, जब हम भी कभी एग्जामिनेशन देते हैं तो आप कभी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं अपने होठों को हिलाकर और धीरे धीरे आवाज़ में बोलकर आप मर्मरिंग कर रहे होते हैं कि आप क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। तो वो कैंडिडेट इसी तरह से थोड़ी धीरे धीरे आवाज़ में बोलकर क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे थे लेकिन एक्चुअली में वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ नहीं रहे थे, वो बहाना कर रहे थे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का। एक्चुअली वो किसी और से बातें कर रहे थे, क्वेश्चंस के आंसर पूछ रहे थे और जो ब्लूटूथ डिवाइसेस थे उनके कानों में फिट थी। मतलब समझ सकते हैं आप कितने बड़े लेवल पर चीटिंग अंजाम दिया जा रहा है। अगर इस तरह से 2-3 हज़ार लोग भी चीटिंग करते हैं, अगर पूरा माफिया पूरे देश में अगर सक्रिय है तो 5,000 सीटों में से 2-3 हज़ार सीटें तो ऐसे ही उड़ जाएंगी। आप समझ सकते हैं कि किस लिए ये जो स्कैम है पूरा इसका एक्सपोज होना ज़रूरी है, किस लिए एग्जामिनेशन का कैंसिल होना ज़रूरी है जिससे चीटर्स को एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिले। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इस बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।